है गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मोम कैचन्स सो गाइज़ कैसे हो आप सभी लोग आई होप गाइज़ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो गाइज़ यहाँ पर चल रही थी माही की ऑनलाइन क्लास तो वो भी देख रही थी मैं और उसके साथ साथ हम लोग चाय बिस्किट भी खा रहे थे एक्चुअली सुबह की चाय के साथ एक दो बिस्किट हो जाता है ना तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बिना बिस्किट की चाय पीना अच्छा नहीं लगता है तो इसी वजह से एक दो बिस्किट खा लेती हूँ उसके साथ और मारी के बिस्किट होते हैं और हाँ यहाँ पर नहा वगैरह लिया था बट थोड़ा सा मतलब उस पर फेस पे कुछ अप्लाई करना नहीं हुआ ऐसे ही जलबाजे में होती हुई सुबह सुबह ना तो इसी वजह से कुछ करना नहीं होता है यहाँ पर मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है बस थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपके साथ क्योंकि थोड़े से काम है वो भी कर लूंगी पहले और उसके बाद आपसे मिलूंगी गाइस कल के ब्लॉग में किसी ने कमेंट की थी इतना सारा कुछ लिया है तो कपड़ों का स्टैंड क्यों नहीं लिया कपड़ों का स्टैंड भी ले लेती तो ये देखो कपड़ों का स्टैंड ऑलरेडी है और मैंने आपको बताया भी है कि कपड़ों के स्टैंड पे ऑलरेडी कपड़े हैं और ये हम लोग सुखाने के लिए ऐसे ही जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो अंदर डाल देते हैं बट जो कपड़े बड़े हैं वो बाहर ही डालते हैं क्योंकि जल्दी सूख जाए हवा की वजह से और फैन चलाना पड़ता है पूरे रात भर दिन भर फिर इसकी वजह से और स्मेल भी बहुत गंदी आती है आपको पता होगा अगर आप अंदर डालते हो तो अद्विक उठ गया था यहाँ पे तो मैंने सोचा चलो बेडरूम भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अद्विक उठने से पहले अगर बेडरूम क्लीन करती हो तो उसकी नींद खराब हो जाती है तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा नींद अच्छी हो जाए ना बच्चों की अभी स्कूल वूल तो है नहीं कि बच्चों को जल्दी उठा दे रेडी कर दे और स्कूल भेज दे अगर थोड़ी देर सो जाता है तो चिड़चिड़ नहीं करते है बच्चे और माही की जो ऑनलाइन क्लास होती है वो तो बहुत ही सुबह सुबह होती है तो इसी वजह से माही को तो जल्दी ही उठना पड़ता है बट अद्विक का थोड़ा सा लेट उठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी अधिक उठ गया है तो यहाँ पर बेड क्लीन कर रही हूँ वैसे बेडरूम क्लीन हो गई थी झाड़ू पोछा तो लग ही गया था बट ये ही सिर्फ बेड अच्छे से कर रही हूँ ठीक कर दूंगी ये बेड और मतलब जो बेडशीट है वो अच्छे से जो चुनटे पड़ती है बेडशीट पे वो अच्छे से कर देती हूँ प्लेन तो अच्छा लगता है थोड़ा सा और ये जो बेडशीट है ना फिटेड बेडशीट है तो इतनी ज़्यादा वो निकलती भी नहीं है तो इतना टेंशन नहीं है थोड़ा सा अच्छे से कर दो बस खींच लो उसके आ, बाद ये बेडशीट प्लेन दिखने लगती है और बस यहाँ पर अपना बेडरूम तो मैंने क्लीन कर लिया है उसके बाद जाऊँगी दूसरे काम करने क्योंकि अगर घर क्लीन रहता ना तो दूसरे कामों में भी मन लगता है नहीं तो फिर दूसरे काम करने का मन ही नहीं लगता है वही दिखता है सामने बेडरूम क्लीन नहीं है हॉल क्लीन नहीं है ये क्लीन नहीं है वो क्लीन नहीं है यहाँ पर आ गई हूँ थोड़े से फूल तोड़ने क्योंकि पूजा करनी है पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ अभी देखो इस फूल के पेड़ को कितने सारे फूल है गणपति के टाइम पे तो हार बनाने पड़ते थे ना तो उस टाइम तो बिल्कुल भी फूल नहीं रहते थे मतलब घर का हार बन जाता था बट ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा फूल लगे हुए नहीं दिखते थे अभी तो दिख रहा है क्योंकि डेली की पूजा के लिए इतने ज़्यादा तो फूल नहीं लगते हैं बस थोड़े से तोड़ लेती हूँ एक एक फूल चढ़ा देती हूँ भगवान के चरणों में और बस उसके बाद मेरी पूजा खत्म हो जाती है हार तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक हार बनाओ तो उतने फूल नहीं निकलते हैं एक फोटो को हार चढ़ाओ और दूसरे को फोटो को हार नहीं चढ़ाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद ही है मैं हार लाती हूँ ना तो तीनों फ़ोटो के लिए सेम लाती हूँ और अगर नहीं है तो भगवान के चरणों में फूल ही चढ़ा देती हूँ अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए बाकी दिखावे से कुछ नहीं होता है यहाँ पर बस फूल चढ़ा रही हूँ पूजा कर रही हूँ और पूजा हो जाने के बाद फिर अपने कामों में लग जाऊँगी मतलब खाना वाना बनाना है तो उसके लिए क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है जल्दी से और वैसे भी आज नाश्ता नहीं बना था तो जल्दी भूख लग गई थी बच्चों को तो इसी वजह से उसके बाद खाना बनाऊंगी और आज पता नहीं आज भी टेंशन ही है सब्जी बनाने का आज तो कुछ है भी नहीं घर पे सब्जी बनाने के लिए क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है तो देखूंगी बाद में क्या बनाना है तो वो आपके साथ शेयर करूंगी गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम का सो कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज़ आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है सब कुछ लेट हो रहा है तो चले कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसे क्योंकि आ, सुबह उठी सुबह बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया फिर क्लीनिंग ये वो सब में टाइम चला गया और अब जाके फ्री हुई हूँ हु। और रेडी होने के लिए भी टाइम नहीं मिला था नहाने के बाद तो अभी रेडी भी हो गई हूँ और थोड़ी फ्री भी हो गई भी कामों में लग जाती हूँ उसके बाद बात करती हूँ आपसे फिर तो गाइज कल के ब्लॉग में मैंने इस मॉप को आपको दिखाया था तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दी आप ये मॉप दिखाना हमें ये कैसे वर्क करता है ये बताना सब कुछ बताना इसके बारे में तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये मॉप कैसा है क्या है ये कैसे वर्क करता है सब कुछ आपके साथ शेयर कर देती हूँ अगर मैं इसे यूज कर ही रही हूँ तो सब कुछ आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ तो यहाँ पर मैंने जो पानी निकाला है ना वो जो ड्राई होने के बाद जो निकलता है ना पानी वो है ये पोछा ड्राई होने के बाद और यहाँ पर पानी है इस साइड में और यहाँ पर पोछा ड्राई होने के बाद जो पानी जमा हो जाता है वो है जो जहाँ पर मैं कर रही हूँ ना अभी ड्राई कर रही हूँ पोछे को थोड़ी देर के बाद मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी कि कैसे ड्राई होता है क्या होता है और वो जो पानी गिर रहा था ना फ्रिज से मतलब निकल रहा था इन्होंने वो बटन दबा दी थी डिप्रॉस्ट की तो, तो वो अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल ही रहा था तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेती हूँ और आपको पोछे के बारे में भी बता देती हूँ वैसे ये पोछा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मतलब अभी कुछ ही दिन हो गए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ वो राउंड वाले पोछे से तो ये पोछा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बस इसको यूज़ करना आना चाहिए आ, वैसे थोड़ी सी पहले मतलब एक दो बार पहले थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी बट ये आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये कोने ओने का भी ये आ, क्लीन कर देता है जैसे कि राउंड पोछा कोने में नहीं जा सकता है तो ये कोने का बहुत ही ईजिली क्लीन करता है कोने ओने आपके हमेशा क्लीन रहेंगे इसकी वजह से अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर आप ड्राई कर सकते हो सिर्फ अंदर मत डालना ये अगर अंदर चला गया ना थोड़ी सी मुश्किल होती है निकालने में बस ये आपको बता रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ तक लेके जाना और बस उसके बाद निकाल लेना अभी यहाँ पर क्लीन करना है इसमें पानी है यहाँ पर क्लीन करना है आपको तो बस इस तरह से आप क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आप ड्राई कर लीजिए इस साइड में ये ड्रायर है तो ये ड्राई हो जाएगा पोछा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन करता है गाइज मतलब वो राउंड वाले पोछे से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ना इसे यूज़ करते हुए तो काफ़ी दिन पहले लिया था बट अभी निकाला है ये क्योंकि वो राउंड वाला जो पोछा है ना वो ऐसे घुमाते घुमाते जल्दी से ख़राब हो जाता है मेरे तो चार पांच पोछे हो गए वो उसके बाद अभी ये लिया है मैंने उससे मैं परेशान हो गई थी इसीलिए ये वाला लिया था अभी इसका पता नहीं मुझे अभी तो बहुत सही लग रहा है बट हमेशा के लिए नहीं बता सकती हूँ मैं अभी का रिव्यू दे सकती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मैंने ये अमेजोन से लिया था आप चाहो तो अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप मार्केट से भी ले सकते हो अगर आपको अमेजॉन से लेना है तो आप अमेजोन से भी ले सकते हो मतलब काफी ज़्यादा अच्छा है सही ये वाला है और ये वाइपर का भी काम करता है आप देख रहे हो यहाँ पे ठीक है ऐसे कुछ प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिया है वही आज आपके साथ शेयर करती हो एक्चुअली आगे फेस्टिवल आने वाला है ना तो फेस्टिवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था तो इस वजह से मैंने जो परचेस किया है वो शेयर करती हूँ और माही के लिए जो परचेस किया है ना वो फेस्टिवल के लिए नहीं लिया है क्योंकि माही ज्यादा इंडियन वेयर नहीं पहनती है तो इसीलिए उसके लिए इंडियन वेयर लेने से फायदा भी नहीं है तो मैंने कुछ उसके लिए वेस्टर्न वेयर लिए हैं और भी कुछ उसके लिए लिया है तो वही आपके साथ शेयर कर दी और मेरा भी आपके साथ शेयर कर दी सबसे पहले दिखाती हु आपको जो दीपाली ने मुझे कुर्ता दिया है आ, क्योंकि बहुत से लोग दीपाली ने जो कुर्ता दिया था वो पूछ रहे थे कि दी आप एक बार पहन के दिखाना आप एक बार दिखाना तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो गाइज ये मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता है और देखिए आप थ्री फोर्स स्ल्यूज है थ्री फोर्स स्ल्यूवस के एंड में भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन प्रिंट दी हुई है उसके बाद यहाँ पर बटन दी है क्लॉथ की और ये जो अंदर का कुर्ता है पूरा प्लेन है मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता है और इतना अच्छा कपड़ा है इसका कि आपको क्या ही बताओ बीबा ब्रांड का कुर्ता है ब्रांडेड कुर्ता है इस वजह से कपड़ा तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा ही और इसके बाद इसके ऊपर जैकेट भी आया है तो जैकेट कुछ इस तरह से है तो स्लीवलेस जैकेट है और इसमें फ्रिल दी हुई है जैकेट में और गोल्डन प्रिंट भी दी हुई है जो निकलने वाली नहीं है बिल्कुल भी मैंने बहुत घिस घिस के ट्राई करके देखा मुझे लगा था अगर निकलेगी ना मैं वापस कर दूंगी या दीपाली को बोलूंगी वापस करने के लिए बट नहीं निकल रही है प्रिंट ये निकलने वाली नहीं है गाइस तो इसी वजह से ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पर डोरी बांधने के लिए आप इसको जैकेट के साथ भी पहन सकते हो और प्लेन कुर्ता भी पहन सकते हो टू इन वन कुर्ता है ये दोनों लुक आप इसके क्रिएट कर सकते हो ये है गाय दीपावली से दिया हुआ कुर्ता और उसके बाद इनके लिए मैंने ये फेस्टिवल के लिए कुर्ता सेट लिया है मतलब क्या बोलते हैं पैजामा और कुर्ता तो ये कुछ इस तरह से है मतलब और रेड नहीं होता है इस टाइप के ये कुर्ते का कलर है और थोड़ा सा शाइन करता है बहुत ही सुंदर लगता है गाइज ये कुर्ता अः ये देखिए कुछ तरह इस तरह से इसमें पैजामा दिया है नाड़ा भी लगाया है और उसके बाद इस पे ना प्रिंटेड जैकेट भी दिया हुआ है तो इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आप भी देख ही रहे हो इनको पहने हुए तो ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे और उसके बाद मैंने माही के लिए जो लिया है वो एक टॉप है जो कुछ इस तरह से है काफ़ी अच्छी पैकेजिंग होके आया है ये टॉप तो देखो ये अभी तक तो ओपन भी नहीं किया है तो ये कुछ इस तरह से टॉप है माही के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये टॉप तो बहुत सुंदर लगा इसका कपड़ा भी इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी लगी मुझे उसके बाद ये ऐसे प्लेन सिंपल सा टॉप है बट स्ट्रैप वाला टॉप है ना इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा आता है उसके बाद मैंने माही के लिए ये सैंडल्स ली है उसको उसके पास पिंक कलर की सैंडल थी आपने देखा ही हुआ है उसको ब्लैक कलर की सैंडल चाहिए थी तो ये सैंडल मैंने उसके लिए ली है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है क्वालिटी तो पूछो ही मत आप क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी माही को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है उसके बाद मैंने माही के लिए ये येल्लो कलर का शू लिया है एक्चुअली माही को और मुझे फुटवेयर सेम ही आते हैं तो इसी वजह से फुटवेयर ज्यादा ही आपको दिखेंगे हमारे पास क्योंकि दोनों सेम ही पहनते हैं साइज सेम ही लगती है तो कभी वो पहन सकती है कभी मैं पहन सकती हूँ इसी वजह से फुटवेयर बहुत ज्यादा है और लेते ही रहते हैं वैसे तो ये है येल्लो कलर का उसके वो येल्लो कलर का चाहिए था तो येल्लो कलर का मैंने ले लिया उसे बहुत ज्यादा पसंद आया क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है लाइट वेट है मेन तो शू में ऐसा है कि आपको लाइट वेट चाहिए होता है आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको ज्यादा पैर में भारी नहीं होना चाहिए तो इसी वजह से ये लाइट वेट भी है फंकी भी है बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है तो ये है गाय शू और उसके बाद मैंने क्या लिया है उसके बाद माही के लिए ये वाला मरून कलर का ड्रेस लिया है इसकी क्वालिटी तो अमेजिंग है गाइस पूछो ही मत बहुत ज्यादा अच्छी लगे मुझे इसकी क्वालिटी और वो टॉप की भी क्वालिटी सेम ही है एक ही ब्रांड से है ये ये वाला ब्लैक वाला टॉप और ये वाला एक ही ब्रांड से क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग और ये वाला ड्रेस है एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हो माही को पहने में भी आप देख ही रहे हो कैसा लगता है माही के ऊपर इस तरह से है एक्सेस साइज लगती है माही को बहुत बार मैं बताती हूँ फिर भी आप लोग पूछते रहते हो इसी वजह से बता रही हूँ मतलब एक्स्ट्रा एस एक साइज लगती है तो ये है माही का ड्रेस अभी खत्म हो गई है आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी और हाँ अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए और अक्टूबर से Amazon पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाला है तो उस सेल का फायदा उठा सकते हो आप और अपने लिए ये सारी चीजें परचेस कर सकते हो ये या दूसरे भी कोई चीज परचेस कर सकते हो आपको जो परचेस करना है वो परचेस करिए मैंने तो अभी ले लिया था तो इसी वजह से आपके साथ शेयर किया आगे मैं जो लूंगी वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी मतलब सेल के टाइम पे जो लूंगे वो यहाँ पर एक्चुअली सब्जी के लिए सोच रही थी कि क्या सब्जी बनाओ और सब्जी इन्होंने ला भी नहीं दी थी कि चलो बाहर से कुछ बाजार से ला दी होगी तो वो बना लेती बट आज फ्रिज में कुछ भी नहीं था मैं जब देखने गई तो फ्रिज में था टमाटर हरी मिर्च और बस नींबू ये तीन ही चीज़ें फ्रिज में थी उसके बाद सब्ज़ी के लिए कुछ भी नहीं था फ्रिज में तो मैंने सोचा मूंगफली की पतली सब्जी बना देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साइड में मूंगफली की पतली सब्जी बनाते हैं हम भी बनाते हैं मेरे घर पे भी बनाते हैं मायके में भी बनाते हैं ससुराल में भी बनाते हैं यहाँ पर भी मैं बहुत बार बनाती हूँ आपने देखा होगा अगर मेरे पास फ्रिज में कुछ सब्जियाँ नहीं है तो मैं ये वाली बना देती हूँ नहीं तो फिर सोयाबीन बड़ी बना देती हूँ ऐसे ही कुछ बना देती हूँ तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में ये मूंगफली पीस ली है एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा फाइन पीसना है आपको बिल्कुल दरदरा नहीं पीसना है मैं ना मिक्सी ऊपर नहीं रखती हूँ अंदर रखती हूँ तो इसी वजह से वो अंदर से निकाल के फिर वो पीसना पड़ता है यहाँ पर मैंने पीस लिया है उसके बाद अभी क्या करना है वो भी बता दूँगी इसे ऑयल लगा के रखा था ना तो इसी वजह से थोड़ा सा वॉश कर रही हूँ और ये जो पेपर आपको दिख रहा है ना बिल्कुल अजीब दिख रहा है अभी मुझे मेरा ध्यान गया उस दिन वो जो बारीक बारीक कीड़े होते हैं ना वो बहुत वहाँ पर थे तो इसी वजह से इन्होंने वो पेपर को ऑयल लगा के वो पेपर वहाँ पर टांग दिया था अभी वो पेपर निकालना पड़ेगा बिल्कुल ही अजीब दिख रहा है वो यहाँ पर पैच काट रही हूँ बारीक पैच चॉप करना है और टोमेटो भी बारीक वाला चॉप करना है और हाँ मूँगफली जो है वो भून के लेनी है एक्चुअली मैं मूँगफली भून के रखती हूँ मैं नहीं रखती हूँ मम्मी आई थी ना तो मम्मी ने भून के रख दी थी एक्चुअली मुझे मम्मी ने बताया था कि भून के रख दिया करो मूंगफली क्योंकि उसमें वो कीड़े रखने का भी डर नहीं रहता है भून के रखते हो तो और जब भी आपको मूंगफली की जरूरत पड़ती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस टाइम फिर आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है जब भी आपको टाइम रहे तो उस टाइम मूँगफली भून के रख दिया करो तो अभी मैं इसके बाद मूँगफली भून के ही रख दिया करूँगी क्योंकि मेरी मूँगफली जल्दी ही खराब होती है मतलब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ ना तो इसी वजह से वो जल्दी ख़राब होती है तो इसीलिए और मैं धूप भी नहीं देती हूँ बहुत ही मतलब इसका यार मुझे पता ही नहीं है क्या करना पड़ता है और कैसे अनाज मतलब बोलते हैं ना अनाज स्टोर करके रखना कोई इजी बात नहीं है क्योंकि हम मैंने ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखा ही नहीं है मेरी शादी के टाइम से मैं बाहर बाहर रही थी ना तो इसी वजह से ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर आई तो फिर पता चला कि नहीं यार अनाज स्टोर करके भी रखते हैं यहाँ पर लोग ज़्यादा ही क्वांटिटी में सब कुछ लेके आते हैं और फिर वो मतलब बार बार छोटी छोटी कम क्वांटिटी में लेके आने के लिए शर्म आती है लोगों को इसी वजह से फिर हम लोगों ने भी वही स्टार्ट किया नहीं तो हमें क्या आदत थी वैसे आर्मी में थे उस टाइम क्वार्टर में थे तो उस टाइम हमें ये आदत थी कि हम थोड़ी सी क्वान्टिटी में क्वार्टर के पास ही होता था सब कुछ तो इसी वजह से हम लोग थोड़ी सी क्वान्टिटी में लेके आते थे और सब कुछ मैं ही संभालती थी ना तो मैं अगर ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ के वहाँ जा सकती थी बट यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है तो इसीलिए फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रख देते हैं और वो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है ध्यान नहीं दे पाता है इसी वजह से और हाँ मैंने यहाँ पर क्या क्या डाला है वो भी बताना आपको भूल गई क्योंकि मैं आपसे बातें करने लग जाती हूँ ना फिर वही है पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ आप लोगों को तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीरा राई डाली है उसके बाद प्याज डाला है प्याज को होने दिया है उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक को भी अच्छे से होने दिया चला लिया और ये जो ड्राई मसाले होते हैं स्पाइसेस अपने जो नॉर्मल जो बेसिक वाले मसाले होते हैं वो डाल दिए जैसे कि हल्दी नमक और धनिया पाउडर गरम मसाला ये सारी चीज़ें और उसके बाद टमाटर डाल दिया इसको गलने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया ये अकॉर्डिंग और इसके बाद Uh, क्या बोलते हैं अच्छे से इस की को थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि जल ना जाए टमाटो तो uh, अच्छे से स्मैश हो जाए उसमें और उसके बाद जो पाउडर हमने बनाया था मूंगफली का ये भून के मूंगफली लेनी है दोबारा से बता रही हूँ तो मूंगफली का जो पाउडर बनाया था वो मैंने इसमें यूज़ किया और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसमें गर्म पानी ऐड करना है और बस इसे पतला कर लेना है और बस उसके बाद थोड़ा सा बॉईल होने देना है थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देना है कम आँच पे नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा तो बस कम आँच पे बॉईल होने दूंगी और बन गई है हमारी सब्जी इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता वगैरह डाल दो बस खाने के लिए रेडी हो जाएगी आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो रोटी के साथ भी खा सकते हो किसी भी के साथ खा सकते हो और अगर आपके फ्रिज में कुछ है नहीं ना मेरी तरह तो आप इस वाली सब्ज़ी को बना सकते हो बहुत जल्दी बन जाती है यार बिल्कुल दस मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्ज़ी को बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर पा, आपके पास मूँगफली भुनी हुई है ना तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसके छिलके मत निकालना तो छिलके निकाल सकते हो अगर नहीं निकालना है तो नहीं भी निकाल सकते हो छिलके नहीं निकालने का ये फ़ायदा है बोलता है उसमें ही प्रोटीन वगैरह रहता है ज़्यादा तो इसी वजह से छिलके मत निकालना अभी मैं सीख गई हूँ मम्मी ने बताया ज़्यादा छिलके मत निकाला करो मूंगफली के तो इसी वजह से नहीं तो मैं पहले पे सारी चीज़ों के छिलके निकालती थी तो यहाँ पर बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया और रेडी हो गई है हमारी सब्जी मतलब थोड़ी देर मैंने रख दी है ये गैस के ऊपर मतलब बॉईल होने के लिए कम आंच पे एकदम धीमी आंच पे तो यहाँ पर जो बर्तन थे आंटी ने वॉश करके रखे थे वो वहाँ पर ही थे तो अभी इसे लगा दूंगी अपनी जगह पे थोड़ा सा जो किचन है वो क्लीन लगने लगता है नहीं तो ये बर्तन पड़े रहते हैं ना बिल्कुल आँखों के सामने दिखते हैं और आँखों में चुभते हैं मेरे तो इसी वजह से जल्दी जल्दी ये लगा देती हूँ नहीं तो कभी कभी माही को बोल देती हूँ लगाने के लिए कभी मैं लगा देती हूँ जल्दी से लगा देती हूँ ताकि जो किचन है थोड़ा सा मतलब क्या बोलते है? खाली खाली ऐसा दिखे नहीं तो बर्तन बर्तन हर जगह जहाँ पर भी देखो वहाँ पर बर्तन बर्तन ही दिखते हैं तो इसी वजह से ये लगा दूंगी और इसके बाद फिर बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी क्योंकि बच्चों को यार भूख लगी है इतनी तेज़ भूख लगी है आज मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया ये जल्दी चले गए थे उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या ब्रेकफास्ट बनाएं हमारे लिए ही तो जल्दी खाना बना लेती हूँ फिर खाना ही खा लेंगे बच्चे और मैं भी तो इसीलिए फिर ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया यहाँ पर दे दिया है माही को खाने के लिए आ, वो खा भी रहे हैं एक्चुअली सब्जी लेट बनी थी ना तो इसी वजह से सब्जी के बिना ही वो खा रहे थे अचार और रोटी ही खा रहे थे तो मैंने सब्जी बना दी अभी सब्जी और रोटी खा रहे हैं मुझे थोड़ा सा खाने के लिए टाइम है तो मैं थोड़ा लेट खाऊंगी खाना तो गाइस चलिए सारे काम खत्म हो गया है और अभी इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है है ना और अद्विक ने नहा भी लिया है देखो अद्विक अभी आजकल अपने खुद के हाथों से नहा रहा है अद्विक को सिखा हाँ। दिया है मैंने नहाना अर, खुद के हाथों से ये देखो स्पाइक भी अद्विक की कैसे हो गए बाल अद्विक पापा ने तो ऐसे इसे नीचे करता हूँ तो फिर मैं अजीब ही दिख जाता <laughs> नहीं, नहीं, नहीं 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 तो चलो नहीं। हाँ 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 आपने मेरे लिए बबल का हा� वॉडी लाया है ना हाँ 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 सब कुछ लाया है आपके लिए क्या, क्या बहुत है? कुछ अभी नहीं अभी नहीं बाद नहीं, में नहीं। बाद में बाद नहीं। में नहीं। तो चले गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो हाँ लाइक और घंटी का दबा देना और हां तो शेयर कर देना शेयर कर देना वीडियो को हां और जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो हाँ और हमारी मेरी को बोल हां और गाइज हाँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए भूल गई जल्दी जल्दी से हंड्रेड के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए हाँ। तब मैं हंड्रेड के सब्सक्राइबर के बाद एक गिव अवे रखूंगी आपके लिए मतलब गिव अवे होगा तीन प्राइजेस रखे हैं मैंने उसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइज तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलने वाले हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हंड्रेड के जल्दी से हो जाए और मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिव अवे लेके आऊं दोबारा से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर देना हंड्रेड के तक जल्दी से हमें पहुंचना है चलिए फिर मैं मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय गाय ध्यान रखना अपना <laughs> अरे इधर